कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री के नाम पर उभरा राजनीतिक तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। तनातनी और पार्टी में खुलकर खेमेबाजी के सामने आते ही समाधान की आस में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली तक भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर विवाद पहले से कहीं ज्यादा गहरा और तीखा हो गया है। जशपुर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं के सिर फूटने के एक दिन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने स्पष्ट कर दिया है, अब बार बार उस पर सवाल उठाकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए, जो हुआ वह दुर्भाग्यजनक है। भूपेश बघेल का कहना है कि टीएस सिंहदेव बार बार ढाई ढाई साल के फार्मूले की बात करके राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। लखनऊ रवाना होने से पहले प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जशपुर में जो घटना घटी उसे टाला जा सकता था, यह दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रविवार को जशपुर में आयोजित कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट और बवाल हो गया। इसमें पूर्व जिला अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य पवन अग्रवाल भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में टीएस सिंहदेव के योगदान की बात की। उनका कहना था कि हाईकमान ने जब ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री की बात की है तो अब सिंहदेव को मौका मिलना चाहिए। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि जशपुर कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इफ्तिखार हसन मंच पर पहुंचकर उनसे माइक छीन लिया और पवन अग्रवाल को धक्का दिया और थप्पड़ भी लगाए। पवन अग्रवाल का आरोप है कि कुनकुरी विधायक यूडी मिंज के इशारे पर उनके साथ धक्का मुक्की और बदसुलूकी की घटना की गई है। भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच 17 जून से ही विवाद है। इस दिन ही भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ढाई साल पूरे हुए थे। दरअसल दिसंबर 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस में उस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू भी थे, लेकिन भूपेश बघेल को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त कहा गया कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही ढाई साल का करार हुआ है। पहले ढाई साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव नेतृत्व संभालेंगे। हालांकि ये चर्चाएं थी कि इस बार पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया। ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री विवाद शुरू होने के बाद से ही अब तक एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं में पीएल पुनिया का कहना है कि ढाई ढाई साल के फार्मूले जैसी कोई बात नहीं है। अगस्त में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात के बाद भी पीएल पुनिया का ऐसा ही बयान आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।